आग के तांडव की तस्वीरें राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की हैं, जहां मिलन विहार इलाके में यमुना पुश्ते के नीचे बनी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 20 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इन झुग्गियों में कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक होता है। यही वजह है कि आग तेजी से फैली। इस दौरान झुग्गियों में रखे छोटे सिलेंडर्स में भी ब्लास्ट हुआ है, जिससे लोगों के घरों में रखा सामान और कैश जलकर खाक हो गया। आग लगा, हम तो खाना बनाता होटल में, हम ना जाना थे, हम अखनी आया है काम पर से, वो है कान वाला है, नाक वाला है। तो क्या नुकसान हो गया है आपका यहाँ पर? आज नुकसान हो गया 25,000 रुपया है। एगो आठाना भर के कान में के है, एगो नाक में के है, छुच्ची है, पायल है। क्या बताया जा रहा है, छोटे सिलेंडर भी कुछ फटे हैं, तो किसी को चोट वगैरह भी लगी है? ना चोट नहीं लगा, हमको बीमारी पड़ती है से निकल का भाग गया है। आप निकल के भाग? हाँ, भाग गया है। मालूम नहीं था सर, मैं तो कल पर पानी भरने गया, उधर से आग उठ के आया। नहीं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि छोटे सिलेंडर फटे हैं जिसकी वजह से आग लगी है। नहीं, छोटे सिलेंडर पीछे से आग उठ के आया, पीछे से आग लग गया, मेरा झुग्गी धर लिया। नहीं, आप तो ये भी बताया जा रहा है कुछ सिलेंडर फट के आगे तक गए हैं, उड़े भी हैं। सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटा। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरा तो बहुत सब चीज जल गया, मेरा गाना जेवर सब जल गया, 50,000 रुपया इनको तो बस्तर भी नहीं है, मेरा बस्तर भी जरा जल गया। हम तो कितना सामान आपका लगभग जला हुआ? कैश भी था आपका? हाँ, मेरा मेरा था 1,00,000 रुपया का। 1,00,000 रुपए के गहने वगैरह भी थे? हाँ, गाना था, गाना सोना चांदी सब था। हालांकि इस हादसे में गनीमत की बात ये रही कि वक्त रहते सभी लोग झुग्गियों से बाहर आ गए और कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। इस आग में यहाँ रहने वाले लोगों के कागजात, कपड़े, गहने और सभी सामान जल गए। अब ये लोग बेघर हो गए हैं। आग किस कारण से लगी, जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि एक छोटा सिलेंडर फटने के कारण झुग्गियों में आग लगी, जो ज्यादा फैलती गई। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और कूलिंग का काम जारी है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।